हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी अरसे के बाद फिर दोबारा एक मैं ट्रिप के लिए निकला हूं। पिछले एक दो महीने से काफ़ी प्लान किए, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे जो हैं मसाइल हो रहे थे ट्रैवल वगैरह में, तो इसलिए कहीं पे भी नहीं जा सका। तो आज मैं आया हूं यहां पे ऑस्ट्रिया में ही, कालकालपेन नेशनल पार्क, बड़ा खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पे हम फिर एक हाइकिंग का टूर कर रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा, तकरीबन 15 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमने करना है। दोस्त जो हैं वो सारे इस वक्त फुल मूड में हैं एक लंबा ट्रैक करने के। 15 किलोमीटर का ट्रैक है, तकरीबन 5 से 6 घंटे। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे ट्रैक करके सारा। तो हमने जो अपना ट्रैक चूज़ किया है वो ये है, 15 किलोमीटर वाला। हमारे अंदाज़े में काफ़ी था कि 15 किलोमीटर का सफ़र जो है काफ़ी होगा हमारे लिए। इंतहाई खूबसूरत एक जो है ना सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है पहाड़ के दामन में। यहाँ पे एक हट बना हुआ था, छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। ये हम इस तरफ से आए हैं और यहाँ से अब रास्ता जो है वो दो तरफ को जा रहा है। एक ये रास्ता इधर जा रहा है और दूसरा जो है वो इस तरफ को, ये शाउमबेर्ग आलम की तरफ हमने इस तरफ को जाना। और यहाँ से अब रास्ता जो है वो पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई है और ये आगे अगले 2 से 2.5 घंटे जो है इसी तरह चढ़ाइयाँ उतराइयाँ करते हुए इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। यहाँ से आगे जो है गाड़ियाँ लेके जाने की इजाज़त नहीं है। हम तो खैर तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे खड़ी कर दी थी, वहीं से हम पैदल सफ़र शुरू कर दिया था क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत था कि पैदल जाने के दिल कर रहा था। भी हैं मुख्तलिफ तरह की आप ट्रैक्स कर सकते हैं, यहाँ कुछ इजी ट्रैक्स हैं, कुछ मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल है उनका, और कुछ जो प्रोफेशनल हाइकर्स और ट्रैकर्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक्स भी हैं। वो ट्रेल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए उस तरह के ट्रैक्स करने के लिए। पिछले 1 घंटे से मुसलसल जा रहे हैं ऊपर की तरफ, हल्की हल्की चढ़ाई है लेकिन जो क्योंकि बहुत ज़्यादा है और मुसलसल है इसलिए काफ़ी वो थका रही है। मज़ा बहुत है इस तरह की हाइकिंग और ट्रैकिंग करने में, लेकिन बंदे में हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए और करना चाहिए ज़रूर। हर महीने 2 महीने में एक आधी दफ़ा ज़रूर इस तरह का कोई ट्रैक जो है वो करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे साइकिलिंग के ट्रैक्स भी हैं, साइकिल टूर्स भी हैं, लेकिन एक हिम्मत होनी चाहिए उस काम के लिए ऊपर लेके जाना साइकिल। हेलो, नीचे जाना तो आसान है साइकिल पे, लेकिन ऊपर आना आसान नहीं है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और अभी तकरीबन मज़ीद 1 घंटे से 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है और मुसलसल चढ़ाई है। बिल्कुल भी कहीं पे भी कहें ना कि 1 फुट भी कोई जगह प्लेन है तो नहीं है ऐसा। यहाँ से रास्ता अब काफ़ी जो है स्टीप हो गया, तंग भी हो गया पहाड़ के ऊपर क्योंकि पहुँच गए हैं, और स्टीप भी बहुत ज़्यादा हो गया और नीचे से पत्थर जो हैं वो भी लूज़ हैं यहाँ पे पहले की नस्बत, इसलिए थोड़ा सा चलने में भी दुश्वारी हो रही है।
पाँच मिनट पहले वो नीचे थे उस मोड़ पे, जंगल के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पाँच मिनट में ही इतनी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा स्टीप रास्ता है। किसी ज़माने में ये घोड़ों की गुजरगाह होती थी, घोड़ों पे लोग यहाँ से आया जाया करते थे। अब जो है वो सिलसिला तो नहीं रहेगा, दूसरी तरफ से सड़कें बन चुकी हैं, मोटरवेज बन गई हैं बड़ी खूबसूरत। अब लोग मोटरवेज से सफ़र करते हैं, लेकिन ये पहाड़ों के अंदर से ये रास्ते जो है अब इन्होंने हाइकिंग के लिए ट्रेल्स बना दिए हैं। इधर काफ़ी लैंडस्लाइड नज़र आ रही है, पत्थर टूटा पड़ा है यहाँ पे। इधर से लग रहा है कि ऊपर से आई है, क्योंकि ये दरख्त वगैरह भी टूटे पड़े हैं साथ इसमें। लेकिन ये कि ठीक है, रास्ता गुजरने के काबिल है, आराम से जा सकते हैं। काफ़ी डेंजरस रास्ता हो गया ये, इधर पहाड़ी चट्टान है रास्ते के साथ साथ, और ये बिल्कुल उसके साथ बहुत गहरी खाई है, और इस खाई के नीचे वो नदी बहती आ रही है जो मुसलसल हमारा रास्ते में साथ दे रही है। बड़ा खूबसूरत व्यू आया यहाँ पे, व्यूज़ तो मुसलसल ऐसे हैं कि देखते हैं कि इंसान का दिल नहीं भर रहा, लेकिन इस जगह का नज़ारा कुछ अलग ही है। इस तरह का ट्रैक मैंने आज तक नहीं कभी किया जहाँ पे मुसलसल हाइट हो। तो पसीना आ के भी खुश्क हो गया, मज़ीद पसीना आना ख़त्म हो गया। जितना इस जगह के बारे में सुना था बिल्कुल अपने उम्मीदों के मुताबिक ही मिली है, बल्कि उससे बढ़कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता रहे हैं, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और यहाँ पे नदी भी बिल्कुल करीब है, और फयाज़ वहाँ से अंगूर धोने के लिए गया है कि थोड़ा कुछ खा लें। और आखिरकार हम यहाँ पे नदी के बेड पे पहुंच गए, अंगूर धो लिए फ्रेश पानी से नदी के। यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे। और ये रिजवान यहाँ पे लेट गया, बहुत खूबसूरत जगह है ये, नदी का बेड है। पानी इस वक्त कम है क्योंकि सर्दियाँ अब आने वाली हैं, बारिशों का सीज़न तकरीबन गुजर गया है, तो इसलिए अब पानी भी जो है ना वो कम हो गया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, कुछ अंगूर वगैरह खाने के बाद पानी शानी पिया ठंडा, और अब वापसी की तैयारी। फिर वापसी से मतलब ये कि अब मज़ीद आगे जो हम टॉप पे जाना है उधर जाने के लिए तैयारी कर ली है। बड़ी प्यारी जगह मिली है ये नदी के अंदर। पिछले आधे घंटे से मुसलसल और शदीद किस्म की चढ़ाई करने के बाद अब हम तकरीबन अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। इस वक्त थकन से बुरा हाल है, और आखिरकार अब हम अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हम आना चाहते थे। बड़ा ये खूबसूरत जगह है,
वाइनगार्ड आल्म, और ये यहाँ पे ये हिल टॉप है, यहाँ का हम ये ट्रैक करना चाहते थे, और तकरीबन 3.5 घंटे हमें लगे हैं यहाँ पे आते हुए। अब तकरीबन यहाँ 1 घंटा रेस्ट करने के बाद और कुछ ड्रोन की फुटेज लेने के बाद अब यहाँ से हम वापस निकल पड़े हैं, और लग ये रहा है कि नीचे पार्किंग में अंधेरा पड़ने तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रैक करने के बाद सब शदीद थक चुके हैं, और अब खाने की तैयारी हो रही है, सलाद तैयार किया जा रहा है, सालन पका हुआ है, शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र था जो करके आए हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई थी। बस अब इस वक्त यही ख्वाहिश है कि जल्दी से बस खाना मिल जाए, इसके अलावा और अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब जो है आज का ट्रैवल हमारा जो ट्रिप था वो ख़त्म हो रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया, बहुत थकावट हो गई, खाना वगैरह खा लिया। ये वो सारा नेशनल पार्क है जहाँ पे हम गए हुए थे, और बड़ी खूबसूरत जगह है, नेशनल पार्क है ये कालकालपन। तो इसके साथ ही अब अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दें, फिर किसी अगले ट्रिप पे मुलाकात होगी, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।